हेलो गाइस, मेरा नाम अब्दुल बास्तर और आप देख रहे हैं स्मार्ट एक्स के यूट्यूब चैनल। आज की स्टूडियो में मैं आप लोग को एक ऐसी ऐप बताने वाला हूँ जिसके अंदर जो है पाकिस्तान की जितनी भी ई सर्विस हैं उनकी सहूलत मौजूद है। इस ऐप के जरिए आप अपने घर का बिल चेक कर सकते हैं, आपका घर का गैस का बिल कितना है, बिजली का बिल कितना है, PTCL वगैरह का बिल चेक कर सकते हैं, ई वगैरह का बिल जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कुरियर की जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान में, TCS हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, लिपर्ड वगैरह जितनी भी कुरियर सर्विस हैं इन चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा टिकट वगैरह जो है वो बुक कर सकते हैं। उसके अलावा आपके नाम पर कितनी सिम्स है, आपके शनाख्ती कार्ड पर कितनी सिम्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप पाकिस्तान की जितनी सिम्स हैं उनके पैकेजेस चेक कर सकते हैं। तो ये सारी सहूलतें इस ऐप के जरिए आप जो है वो चेक कर सकते हैं। इसका नाम है पाकिस्तानी सर्विस। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल इस ऐप को आपने ओपन करना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। इसका नाम पाकिस्तान ई सर्विस है। इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने इसको प्ले स्टोर से जो इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद जब ओपन करेंगे यहाँ पर कुछ इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट है वो बिल्स वाला ऑप्शन है। यहाँ पर सबसे पहले अब जो बिल है वो PTCL बिल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिंपल आपने अगर PTCL का बिल चेक करें तो सिंपल PTCL और बिल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ ऐड आएंगे क्योंकि ऐप फ्री है। तो यहाँ पर सिंपल आपने अपना जो PTCL का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर लिखना है, अकाउंट आईडी लिखनी है और व्यू बिल पर क्लिक करें तो आपका बिल जो है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद हमारा ईवो का ऑप्शन आता है। अगर आप ईवो का बिल चेक करना चाहते हैं वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिंपल आपने ईवो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो MDN नंबर होता है वो लिखना है, ESN नंबर लिखना है, व्यू बिल पर क्लिक करें तो आपको ईवो का बिल भी यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरह आप यहां से बिजली का बिल भी चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में 12-13 कंपनियां जो बिजली हमें फराम करती हैं, तो आपने अपने इलाके के लिहाज से देखने के लिए कौन सी कंपनी आपको जो है वो बिजली फराम करती है, फिर उस ऑप्शन पे आपने यहां पर क्लिक करना होगा। मिसाल के तौर पे हम पेशावर में रहते हैं तो पेशावर में पेस्को है, यहाँ पर मैं पेस्को कंपनी देख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेस्को, यहाँ पर ऑप्शन में इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल आपने रेफरेंस नंबर लिखने, रेफरेंस नंबर जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे उसके बाद आपने जनरेट बिल पर क्लिक करना है तो आपका बिल यहाँ पर शो हो जाएगा। रेफरेंस नंबर जो होता है वो बिल पर लिखा होता है वो वहाँ से आपने देख लेना है और यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जनरेट बिल पर क्लिक करेंगे तो आपका बिल जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरह जितनी भी पाकिस्तान की और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है यहाँ से आप देख सकते हैं, लेस्को हो गया, पेस्को, के इलेक्ट्रिक, जितनी भी कंपनियाँ इन्हीं की इस तरह बिल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो गैस का बिल है वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। गैस की दो कंपनी है, एक सुई नॉर्थर्न गैस का पाइपलाइन लिमिटेड, एक साउथर्न कंपनी लिमिटेड है, इस तरह कुछ नाम है, SNGPL और SSGC दो कंपनी है, मतलब गैस प्रोवाइड करती हैं हमें। तो जौन सी कंपनी आपको गैस प्रोवाइड करती है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इस तरह अगर आपको सुई साउथर्न गैस कंपनी प्रोवाइड करती है गैस तो सिंपल आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आपने कंज्यूमर नंबर लिखना है बिल पर देखकर और जनरेट बिल पर क्लिक करेंगे तो आपका बिल जो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको जो है वो दूसरी कंपनी जो है वो SNGPL प्रोवाइड करती है गैस तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिंपल आपने ये जो सुई नॉर्थर्न लिखा है इस पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐड शो होंगे क्योंकि ऐप फ्री है, तो यहाँ पर आपने ऐड वगैरह को जो है वो इतना वो नहीं करना। तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आपने जो है वो कंज्यूमर नंबर लिखना है, जनरेट बिल पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका बिल जो है वो शो हो जाएगा। तो इस तरह आप यहां से जो PTCL का बिल हो गया, ईवो का बिल हो गया, बिजली का या गैस वगैरह के बिल जो यहां से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर न्यूज़पेपर भी आप यहां से पढ़ सकते हैं। यहां पर न्यूज़ वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, जो पहले नंबर नीचे ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जितनी पाकिस्तान के अखबार हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, उनके नाम, जौन से अखबार आप पढ़ना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक करना होगा। मिसाल के तौर पर हम एक अखबार देख लेते हैं, जंग अखबार है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस ऑप्शन पर। तो यहाँ पर किस डेट का आपने चेक करना है, कौन से इलाके का चेक करना है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जो वो मुल्तान का चेक करना है तो आप मुल्तान यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। किस डेट का चेक करना है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसी डेट को रहने देता हूँ। व्यू पर क्लिक करना है तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लोड होगा, उसके बाद आपको जो अखबार है वो शो करा देगा। ये एरर दे रहा है, हम दोबारा यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वो बिल आ गया, असल में वो डेट जो है वो सही सेलेक्ट नहीं थी। तो यहाँ पर आप जो है अखबार आ गए, आप यहाँ से यहाँ पर जूम करके जो है वो सारे अखबार पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की ऐप है, आपने इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर आप अखबार इस तरह पढ़ सकते हैं। टिकट्स बुक करें तो टिकट्स वाले नीचे ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर PIA, रेलवे, डाइवो, बिलाल ट्रैवल और कायनात ट्रैवल्स, फैसल मूर, इनकी आप जो है यहाँ से टिकट वगैरह भी बुक कर सकते हैं। बिल्स वाला ऑप्शन है, मैंने इसको पहले ही आपको बता दिया। उसके अलावा कुरियर जो सर्विस है वो भी आप यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे TCS का अगर आपने कोई चीज़ भेजी है तो आपको नहीं पता कि वो चीज़ कहाँ पर पहुँची है या अगले बंदे रिसीव की है नहीं, तो वो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। सिंपल आपने TCS वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो रेफरेंस नंबर दिया जाता है वो आपने यहाँ पर लिखना है, ट्रैक पर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल जो है वो शो हो जाएगी। इस तरह आप जो है वो पोस्ट ऑफिस जो है उसका भी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। सिंपल आपने जो पाक पोस्ट ऑफिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
यहाँ पर आपने ट्रैकिंग नंबर जो होता है वो आपने लिखना है। ट्रैकिंग नंबर आपको कहाँ से मिलेगा ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मिसाल बिल आपने चेक करना, तो बिल पे आपका जो पहले से रेफरेंस नंबर होता है वो आपने वहाँ पर लिखना होगा। इस तरह यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर या जो जो भी यहाँ पर पूछते हैं, ये आप जो ट्रैकिंग नंबर है आप यहाँ, ये आपसे कहाँ से मिलेगा, जो अगर आपने कोई चीज़ भेजी या आपको किसी ने कोई चीज़ भेजी तो उसको एक चिट मिलती है जिस जगह से आप भेजते हैं, तो उसी पर ये ट्रैकिंग नंबर लिखा होता है वो यहाँ पर आपने लिखना होता है। उसके बाद ट्रैक पर क्लिक करना होगा तो यहाँ पर आपको जो आपकी डिटेल होगी कि वो चीज़ पहुँची है या किस जगह पर है, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इस तरह आप बाकी जो द्राज हो गया या DHL या कॉल कुरियर ये सारे आप यहाँ पर इस तरह चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये मोर वाला ऑप्शन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप ले सकते हैं ऑल सिम पैकेजेस, आपने किसी सिम के पैकेज चेक करने वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे टेलनर सिम के चेक करें तो टेलनर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐड्स आएंगे क्योंकि ऐप फ्री है, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, आप यहाँ से SMS पैकेज चेक कर सकते हैं, कॉल पैकेजेस चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पैकेज चेक कर सकते हैं, पोस्ट पेड अगर आपकी सिम है तो वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, डिवाइस 4G इसके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने ये पैकेज चेक करने हैं, यहाँ पर आप ले सकते हैं सारी डिटेल जो वो लिखी हुई है, कौन सा पैकेज लगाना है, यहाँ पर इसका कोड लिखा है, कितने कितने दिन के लिए, कितने टाइम के लिए, कौन से SMS मिनट वगैरह, वो आप यहाँ से सारी डिटेल जो वो चेक कर सकते हैं और पैकेज वगैरह जो वो लगा सकते हैं। इसी तरह आप यूफोन, जोंग, जेज़ वगैरह के भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप सिम इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन नीचे देख सकते हैं, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है आपके शिनाख्ती कार्ड पर कितनी सिम्स आपने खोली हुई हैं वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा लोड हो रहा है, तो यहाँ पर आपने जो है वो थोड़ा सा अपनी दोनों फिंगर की मदद से यहाँ पर जूम करना है और यहाँ पर सिंपल आपने अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और आई एम अनाटा रिपोर्ट पर चेक मार्क करना है और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी सिम्स होंगी वो कौन कौन सी सिम है, यूफोन की है, JS की है, टेलनार की है, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। तो यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर व्हीकल इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर करेंसी कन्वर्टर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, बोर्ड रिजल्ट भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की ऐप है, इस ऐप के ज़रिए आप इतने ज़्यादा काम कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, टिकट वगैरह जो है बुक कर सकते हैं, बिल चेक कर सकते हैं, कूरियर की जो सर्विस है उनकी उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। उसके अलावा आप मोर पर ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितनी पाकिस्तान की सिम है उनके पैकेज चेक कर सकते हैं, सिम इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, व्हीकल इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, करेंसी कन्वर्टर और बोर्ड वगैरह के रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की ऐप है, इस पर एक अलग अलग वीडियो भी बन सकती है वैसे, लेकिन इस एक ऐप के ज़रिए आप जो है वो सारा जो जितने भी फ़ायदे हैं यहाँ पर आप जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर 3 लाइन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर होम और बाकी ऑप्शन, अगर यहाँ पर कोई खास ऑप्शन नहीं है तो हम होम वाले ऑप्शन पर ही आ जाते हैं दोबारा। तो अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आपने इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप सर्च करना चाहते हैं प्ले स्टोर में तो पाकिस्तानी सर्विसेज का नाम है, आप सर्च करेंगे तो आपको ये फिर ऐप भी जो है वो मिल जाएगी। खैर, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।